लोकसभा चुनावों में आचार संहिता की घोषणा के साथ ही अब लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। राजनीतिक पार्टियां अब अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी इस बार लोकसभा चुनावों में 400 प्लस का दावा कर रही है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में 10 सीटों पर जो तस्वीर है वह साफ हो चुकी है, तो वहीं अन्य बची हुई 15 सीटों पर किसी पर बीजेपी तो किसी पर कांग्रेस उम्मीदवार के नामों की घोषणा भी बाकी है। ऐसे में राजस्थान की राजनीति क्या मायने रखेगी, किस तरीके से राजस्थान सहित पूरे देश में लोकसभा चुनावों का असर रहेगा, इस पर बात करने के लिए आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर अमित व्यास हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, इस बार 10 सालों से बीजेपी लगातार देश की सत्ता में आ रही है, इस बार के चुनावी समीकरण क्या बनते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि राजनीति में कब कौन सी बात राजनीति का मुद्दा बन जाए, अब कौन सी बात राजनीति के लिए विनाश का कारण बन जाए, ये समय काल परिस्थिति पर निर्भर करता है। जहाँ तक राजस्थान की राजनीति का सवाल है, तो राजस्थान में जब जब भी सरकारें कांग्रेस की बनी सेंटर में, तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी, चाहे वो लोकसभा के रूप में मान लीजिए या फिर आपके विधानसभा के रूप में। लेकिन पिछले जो टेन्योर की आप अगर बात करते हैं, तो पिछली बार राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे मुद्दे गहरा गए थे जिसमें एक व्यक्ति विशेष के चेहरे की वजह से एक बीजेपी को विधानसभा में तो हार का सामना करना पड़ा, लेकिन लोकसभा में कहीं ना कहीं क्या है, उनको 25 सीटें मिलने में बहुत अच्छी सफलता मिली थी। और कहीं ना कहीं एक स्लोगन बहुत तेज़ी से उभरा था कि मोदी तो उससे बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो इस प्रकार के जो जुमले कहीं ना कहीं सरकारों को बदलने में अहम योगदान करते हैं, तो राजनीतिक पंडितों की नज़र में कहीं ना कहीं ये चीज़ें विवाद उत्पन्न करती हैं कि वास्तव में राजस्थान की जनता चाहती क्या है। बिल्कुल, क्योंकि कई बार लोकल मुद्दे हावी हो जाते हैं तो, और कई बार देश के मुद्दे हावी हो जाते हैं। तो जब लोकसभा चुनावों की बात आती है तो वहाँ पर देश के मुद्दों को प्रधानता दी जानी चाहिए, और जब विधानसभा की बात होती है तो वहाँ पर लोकल मुद्दों की बात होनी चाहिए। लेकिन हमारे राजस्थान में कहानी उल्टी होती है, जब विधानसभा की सरकार की बात आती है, विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो वहाँ पर देश के मुद्दे हावी हो जाते हैं, और जब लोकसभा की जब बात आती है तो वहाँ पर व्यक्तिगतवाद की राजनीति और लोकल राजनीति जो है एक बहुत बड़ा कारण बनती है। तो ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन जब सरकारों के बनने में या उसके बिगड़ने में और टिकटों का वितरण करने में पार्टियां ही जब कन्फ्यूजन में होती हैं, तो जनता तो नेचुरल सी बात है कि खुद भी कन्फ्यूज होती है कि हम किसको वोट डालें और किसको नहीं डालें, और किस मुद्दे पर डालें और किस मुद्दे पर नहीं डालें। अमित जी, देखिए, इस समय दो मुद्दे सबसे ज़्यादा जो हैं वो पूरे देश में छाए हुए हैं। पहला, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, और दूसरा, कांग्रेस के खाते सीज होना। कहीं ना कहीं ये राजनीति से थोड़ा हटके नहीं है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को ईडी का गिरफ्तार करना, कांग्रेस के खाते सीज होना? देखिए, ये जो चाल चलन व्यवस्था है ना राजनीति की, ये बीजेपी से प्रारंभ नहीं हुई है, ये घटनाक्रम कांग्रेस की तरफ से भी की जाती रही है। और जब बदले की राजनीति की जाती है तो वहाँ पर इस प्रकार के स्थितियाँ परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं, और हिंदुस्तान के तो इतिहास में पहली बार हुआ है कि वर्तमान जो सीएम है उसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये अपने आप में कई प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह राजनीति पे भी लगाता है, और कहीं ना कहीं राजनीति करने वालों की सोच पे भी बनाता है कि क्या आप व्यक्तिगत द्वेष को ध्यान में रखते हुए राजनीति करते हैं या देश के मुद्दों पर राजनीति करते हैं। ये दो प्रश्न अपने आप में ही कल से उठना चालू हो चुके हैं। अब आती है बात अरविंद केजरीवाल जी की, तो अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से अपनी पार्टी को बनाकर बाजार में प्रस्तुत किया था और जिस प्रकार से लोगों को उनसे आशाएं थीं, उसकी वजह से वो एक आम आदमी पार्टी जो थी वो एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। लेकिन जिस प्रकार से उसकी कार्यप्रणाली देखने को मिली और जिस प्रकार के मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़े, वो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को धीरे धीरे संकुचित पार्टी के रूप में कन्वर्ट कर दिया और वो दिल्ली में ही सिमट के रह गए। तो कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि जब किसी पार्टी की मुद्दे या उनकी जो घोषणाएं हैं जब उनकी प्रैक्टिकल चीज़ से अप्रोच से नहीं करती हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं। रही बात गिरफ्तारी की,
तो जब कोई पार्टी बदले की राजनीति करती है तो सीबीआई, ईडी या और अन्य प्रकार के जो हमारे प्रशासनिक ढांचे हैं उनका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों ही तरीके से किया जाता है। और एक दूसरा प्रश्न आपने किया कि अभी खाते सीज हुए, देखिए राजनीतिक चंदा जो है वो हमेशा से लिए राजनीतिक पार्टियों का एक फंडा रहा है, और इस फंडिंग वाली व्यवस्था को क्या क्या रूप और किस किस रूप में बनाया गया यह हमारे सामने है कि कहाँ तो किसी ज़माने में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बॉन्ड्स जारी करते थे, अब राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया, अपने बॉन्ड्स जारी किए। यानी आप ब्लैक मनी को वाइट मनी में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी पार्टी के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद लीजिए, तो आपकी जो काले धन की जो राशि है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी सफेद धन में हो जाएगी, वाइट मनी करने का। तो ये जो व्यवस्था है ये किसी एक पार्टी की नहीं है, इसमें सभी पार्टियां इंक्लूड हैं, बीजेपी भी इंक्लूड है, कांग्रेस भी इंक्लूड है, आम आदमी पार्टी भी है, टीएमसी भी है, यानी छोटे छोटे जो दल हैं वो भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला, चुनाव आयोग के द्वारा जिस प्रकार से सख्ती बरती गई, उससे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे कुएं में ही भांग घुल रही है। तो ये कहीं ना कहीं इस पर चिंतन करना राजनीतिक दलों का तो बनता ही है, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जिसे हम मीडिया बोलते हैं, जिसके लिए कि अपन लोग चर्चा कर रहे हैं, इन लोगों को भी, सामान्य जनता को इसके बारे में रूबरू कराना जरूरी है कि सोने की चिड़िया तो थी, इंडिया आगे भी रहेगी, लेकिन इसके बीच का जो खाई है वो कहाँ चली गई, उसके लिए क्या राजनीति पार्टियाँ जिम्मेदार हैं, राजनेता जिम्मेदार हैं, या उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सर, देखिए लोकसभा चुनाव में राजस्थान में सबसे ज़्यादा उठापटक पड़ी हुई है, लगातार कांग्रेस के दिग्गज हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, चाहे राजेंद्र यादव की बात करें, लालचंद कटारिया की बात करें, या इधर से अब बात करें राहुल कसवा की, प्रहलाद गुंजल की, उनका कांग्रेस में शामिल होना, क्या लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये दल बदल की राजनीति लोकसभा चुनाव पर असर डालती हुई नजर आ रही है? देखिए मैं एक ऐसी बात को बताना पसंद करता हूँ जो शायद हो सकता है कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक भी पहुँचे। जब लोकबाग व्यक्तिगत स्वार्थों को ध्यान में रखकर राजनीति में प्रवेश करते हैं तो ये मान के चलिए कि ऐसे व्यक्तियों का कोई वजूद नहीं होता है, वो कभी भी किस करवट बैठेंगे उनके बारे में कोई मंतव्य नहीं रख सकता है। और जिन चरित्रों के बारे में आपने बात करी, जो चरित्र अपने समाज में, अपने ही क्षेत्र में विवादास्पद रहते हैं, तो वो पार्टियां परिवर्तित करके और सफ़ेद वस्त्र पहनकर अपने रूप परिवर्तन करके इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से राजनीति का भी ध्रुवीकरण हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस से बीजेपी में आना और बीजेपी से कांग्रेस में आना, इस प्रकार की जो घटनाक्रम पिछले 3-4 सालों में देखने में ज़्यादा मिली है। बिल्कुल, उसका जो मूलभूत कारण है वो ये है कि दोनों ही पार्टियों की जो विचारधाराएं हैं या उनकी विचारधाराओं को पालन करने वाले व्यक्ति नहीं है, वो केवल व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राजनीति को एक पेशा बना चुके हैं, जिसका परिणाम है कि ये दल बदल वाला स्थिति आपको देखने को मिल रही है। सर, विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि कांग्रेस एक सेट फॉर्मेट में चली थी, वही पुराने मैदान, वही पुराने घोड़े, जबकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों में काफ़ी बदलाव किया था। अब वो सेम रिपीटेशन कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कर रही है, लगातार वो चेहरे बदलती जा रही है, क्या बीजेपी से इंस्पायर होकर वो लोकसभा चुनाव में कुछ बड़ा खेल करने की तैयारी में है नए चेहरों के साथ? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी ने जिस प्रकार की विचारधारा को लेकर अपनी संगठन की स्थापना की थी और आज जिस प्रकार से अपने संगठन को अंजाम दे रही है, उसमें बहुत सारे इनोवेशन उन्होंने किए हैं। क्योंकि पहले होता ये था कि जो एक बार नेता बन गया, एमएलए बन गया, तो जब तक उसकी पीढ़ी वहाँ से हटती नहीं थी तब तक वो सीट को छोड़ता नहीं था। बिल्कुल, अब वो काम उस जगह पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है इस पे कोई लेने देना नहीं था, यानी एक तरीका से ठेका प्रणाली हो गई थी कि साहब आपको बीकानेर का ठेका मिल गया, आपको जयपुर का ठेका मिल गया। और उस प्रकार की ठेका प्रणाली ने क्या किया कि लोगों का एक्सप्लोइटेशन हुआ, लोगों की भावनाओं के साथ में कुठाराघात होना चालू हुआ। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि बीजेपी में जिस प्रकार से संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन हुआ, जिस प्रकार से एक विकास की जो बात सोची गई बीजेपी के द्वारा, उस पर खरा उतरने के लिए उन्होंने अपने संगठनात्मक ढांचे में इनोवेशन किया,
वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक ढांचे में भी क्या किया उन्होंने, इनोवेशन किया। जब उनको लगा कि इसके करने से बीजेपी जो किसी ज़माने में बहुत कम सीटों पर रहती थी, आज ये देख लीजिए कि एक दो ही क्षेत्र बचे हैं जहां पर बीजेपी कम जगह से जीत रही है, अन्यथा तो ऐसा कोई हिंदुस्तान का इलाका नहीं है जहां पर उन्होंने अपनी अमिट छाप नहीं छोड़ी है। बिल्कुल। हालांकि ये आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि जब नेतृत्व की प्रभावशीलता कम होती है तो संगठन कमज़ोर होता है, और जब संगठन कमज़ोर होता है तो उसको सत्ता हथियाने में बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये जो नेतृत्व से लेके और सत्ता हथियाने के बीच की जो दूरी है उसमें एक ही चीज़ है, वो ये है कि जब लोकबाग अल्प समय में ही उच्च पद की प्राप्ति की लालसा रखते हुए राजनीति में घुसते हैं, उन लोगों की विकृतिकरण की वजह से ही एक तो ये पलायनवादी व्यवस्था होती है, दल बदल वाली व्यवस्था होती है। और मैं तो आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि चुनाव आयोग को दल बदल जो कानून बनाया हुआ था उसकी कठोरता से पालन करवाना आवश्यक है, अन्यथा ये विकृतियां बीजेपी के लिए भी नुकसानदायक है और कांग्रेस के लिए तो नुकसानदायक है ही। बिल्कुल। मेरा एक अंतिम सवाल है सर, आरएलपी देखिए, पिछले दो चुनावों में आरएलपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार बीजेपी ने यह गठबंधन तोड़ दिया। अब जो जितने भी सूचनाएं आ रही हैं कि अब आरएलपी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने जा रही है और नागौर सहित एक सीट पर और आरएलपी का उम्मीदवार उतारा जा सकता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो छुटभैये नेता होते हैं या जो क्षेत्र विशेष के छोटे छोटे पार्टियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं केवल क्षेत्रवाद के आधार पर और जातिवाद के आधार पर राजनीति करती हैं, जो कि देश के लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। क्योंकि तो आपने देखा होगा कि बंगाल की जो स्थिति बहुत ख़राब हो रखी है, जबकि बंगाल के पास में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, प्राकृतिक रूप से भी और मानवीय संसाधनों के रूप में भी। लेकिन आप देख लीजिए कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, वहाँ पर अभी भी गरीबी की स्थिति, वहाँ पर भ्रष्टाचार की स्थिति, वहाँ क्राइम की जो रेट है, महिलाओं के साथ जो अत्याचारों की बात है, और सबसे बड़ी बात है घुसपैठ की जो व्यवस्था है जो हिंदुस्तान के लिए बहुत घातक है, सबसे ज़्यादा जो है बंगाल में देखने को मिल रही है। तो ये जो बंगाल में घटना घटित हो रही है, इसके लिए बीजेपी कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसकी जो लोकल पार्टी की जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। और मैं यही आपके यहाँ से कहना चाहता हूँ कि जब छोटी पार्टियाँ बड़ी पार्टियों के साथ में अलायंस करती हैं तो वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अलायंस करती हैं, न कि अपनी विचारधारा का पालन कराने के लिए। क्योंकि पार्टी जब आप अलग बना रहे हो तो विचारधारा भी आपकी अलग होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने भी यही तो कहा था भाई, प्रशासन के अंदर क्या भ्रष्टाचार है, उसको हम भ्रष्टाचार के लिए लोकपाल लाएंगे, ये करेंगे। अब आप देख लीजिए लोकपाल की कहाँ स्थिति आती है, वो लोकपाल वाली सारी कहानियाँ इन पर लागू हो रही हैं, इन्हीं के मंत्री जो हैं वो जेल में पड़े हुए हैं। तो मैं ये थोड़ी कह सकते हैं कि एक के साथ में आपने कोई विश्वासघात किया होगा। अगर मान लीजिए इससे पहले जितने भी संजय जैन हैं या और भी लोकपाल जो गिरफ्तार हुए, तो क्या वो अपने कर्मों से हुए या विचारधारा की वजह से हुए, अर्थात आपकी जो कार्यशैली थी वो खराब थी, इस वजह से आप गिरफ्तार हुए। लोकपाल से याद आया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अन्ना हजारे का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। देखिए, जिस व्यक्ति ने इसको जन्म दिया था उस व्यक्ति को तो कर दिया साइड में, और जिस व्यक्ति को लड्डू खाने थे वो तो लड्डू खा लिया। लेकिन देखिए, जब आप किसी का चेहरा अपने मुँह पर लगा के चलते हैं और आप अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, तो कभी न कभी तो ऐसा समय आता है कि जब आपको अपने ओरिजिनल रूप में आना ही पड़ता है। और अगर आप नहीं आते हैं तो पब्लिक आपको दिखवा देती है, क्योंकि पब्लिक से बड़ा कोई आईना नहीं होता है। पब्लिक जब चाहे किसी को भी ऊपर चढ़ा सकती है और जब चाहे दो मिनट में नीचे भी उतार सकती है। बिल्कुल। और आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, बहुजन समाज पार्टी, समता पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये वो पार्टियां हैं जिन लोगों ने लोगों की आंखों में धूल झोंकी थी, और उसका परिणाम ये देख लीजिए कि आज वो एक एक सीट के लिए भी तरस रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ ये थे अमित व्यास जी। राजनीति के उन तमाम मुद्दों पर हमने यहाँ बात की है जिसकी प्रदेश की जनता जानना चाहती है, और ये भी जानना चाहती है कि जिस तरीके से इस समय दल बदल की जो राजनीति खेली जा रही है वो क्या आने वाले समय में राजनीति के लिए बेहतर है, क्या ये छोटी छोटी पार्टियाँ मोदी के सपने को डैमेज कर सकती हैं। इन तमाम मुद्दों पर हमने बात की है। ऐसे ही लोकसभा चुनाव की तमाम अपडेट्स के साथ आप हमारे लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़। मैं हूं ललित वर्मा।